आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक अर्बन जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। सबसे पहली अपडेट है आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों की परीक्षाएं अपने समय पर हो रही हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप लोग इसमें जुगाड़ कहीं भी मत ढूंढिए, क्योंकि बहुत ही सख्त कानून के माध्यम से आप लोगों की परीक्षा कराई जा रही है। अपनी काहे के लिए जो है भविष्य और मिट्टी परीत करना चाहते हैं, ठीक है। अपने बल को बल समझिए और बेहतरीन तैयारियां करके जाइए। अगर आप 100+ क्वेश्चन करने में भी कामयाब रहे तो जाहिर सी बात है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, पद बहुत है, ठीक है ना। और ये जुगाड़ करके या मतलब कहीं सेटिंग लगा करके या ऐसी वैसी कोई चीजें करके आप अपना भविष्य जो है वो चौपट करना चाहेंगे, ठीक। तो ऐसी परिस्थितियों में ना अपने आप को धकेलिए और ना ही अपने माता पिता को धकेलिए। स्वयं से मेहनत करिए और एग्जाम में बैठिए फ्री माइंड होकर के, आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से यूपी सिपाही की भर्ती परीक्षा तो होने चल रही है, लेकिन यूपी दरोगा एसआई की भर्ती, ठीक ना, उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी बहुत समय से विद्यार्थियों की प्रतीक्षा में, और विद्यार्थी इस चीज को लेकर के भी हेजिटेट हो जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उनमें एक हिचकिचाहट वो है ना, कि ऐसा ना हो कि मतलब विज्ञापन आया तो उसमें एज की जो बाउंडेशन है वो 3 साल के एज रिलैक्सेशन के साथ ना मिले। मैं इस बात को लेकर के आप लोगों को गारंटीड बोल देना चाहता हूं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का अवश्य मिलेगा उसमें, ठीक है ना। आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यूपी कांस्टेबल में मिला वैसे आपको यूपी एसआई में मिलेगा, और इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो विद्यार्थी मान लीजिए कि 2-3 सालों के अंदर वो ओवरएज हुए हैं, उन विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पे दिक्कतें आती हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली से शासन भी खुश नहीं है, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि तमाम उन बिंदुओं पर जाहिर सी बात है कि शासन से इनका 2-4 होता ही रहता है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए भी स्पष्टीकरण दे दूं कि आप लोगों के एज रिलैक्सेशन का मामला मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि केवल हम लोगों के माध्यम से नहीं, अपितु आपने देखा होगा कि विधायकों के माध्यम से भी आप लोगों की एज रिलैक्सेशन वाली जो प्रॉब्लम थी, जो बातें थी, वो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई गई है। और पूरा यकीन है, पूरा विश्वास भी है कि हम लोगों को इसमें एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब पीसीएस की वैकेंसी आएगी 2025 में तो उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जब आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी मिलेगी तो उसमें भी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको इसमें चिंतित होने की, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग निश्चित रहें, बेफिक्र रहें और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, लोगों को जोड़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके यूपी के टीजीटी पीजीटी को लेकर के। नोटिफिकेशन नया कब आ रहा है, कब आप सभी लोगों की परीक्षाएं होंगी 2022 की, कब टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो केसेस चल रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ध्यान देगी, कब जो है वहां पे फाइनल हियरिंग होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तिथियों के अनाउंसमेंट। तो जैसे आप सभी लोग परेशान हैं वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी भी परेशान हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है आशंकित हैं, या ऐसा ना हो ये वैकेंसी जो है वो लटक जाए और काम ही ना हो पाए। तो ऐसी परिस्थितियां जाहिर सी बात है कि उन्हीं विद्यार्थियों को फेस करनी पड़ती हैं जो विद्यार्थी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं बेचारे, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं
कि फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई परीक्षा है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही परीक्षा है, ठीक है। और नए विज्ञापन के लिए इनको अध्यासन भी मिल रहे हैं। विद्यार्थियों की मैं कहूँगा कि विद्यार्थियों की ये जो मांग है कि जितने भी नए अध्यासन आ रहे हैं उसको पुराने विज्ञापन में जोड़ दिया जाए, नहीं ऐसा ऐसी परिस्थितियों से फिलहाल जो है अधिकारियों को दो चार मत कराइए, ठीक है। क्योंकि हम लोग अधिकारियों से मिले थे और उनसे पूछा था ये चीज़ कि क्या इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि पदों की संख्या अगर बढ़ेगी तो महज 250-300 मान लीजिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा पदों की संख्या इसमें नहीं बढ़ेगी। और जो नए अध्यासन आ रहे हैं वो अध्यासन आपके नए विज्ञापन में जाएंगे, ठीक। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो पद आपके हैं मान लीजिए कि उसमें 250-300 पद आपसे लोगों के वो एक्स्ट्रा में ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी में जो मतलब परीक्षा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने के उपरांत आप लोगों को TGT की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। तो यक्ष प्रश्न यही कि असिस्टेंट प्रोफेसर आखिर होगा कब, तो ये सितंबर में होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है वो सितंबर में होगा, श्योर और सर्टेन होगा। अब ये सोचते हैं कि मतलब अभी तक तो अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक आया नहीं, तो अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक भी आपके बहुत जल्दी ही नियुक्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही वो लोग आ जाते हैं उसके जस्ट सेकंड डेज ही दूसरे दिन ही आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और आनन फानन में ही सही, लेकिन आप लोगों को UPTET 2024 का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक कहते नहीं कि मतलब प्रैक्टिस मैच की तरह है इनके, कि UPTET का विज्ञापन हम जारी किए और उसकी परीक्षा से करा ले गए। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 1,23,000 विद्यार्थी हैं, अगर उसकी परीक्षा सही से करा ले गए तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ वास्तव में आयोग का पैटर्न सही है और आयोग इसी पैटर्न पे काम करेगा, तो TGT PGT जैसी बड़ी परीक्षा भी आयोग आसानी से करा ले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है, अपनी प्रिपरेशन में आप लोग लगे रहें। और सबसे बड़ी और अहम बात हो जाती है TGT PGT 2022, ये परीक्षा लगभग 2-2.5 साल से लंबित है और इसमें पदों की संख्या बढ़वाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन कल हम लोग माध्यमिक शिक्षा सचिव से मिले थे और सबसे बड़ी चीज़ यह कि जब उनको ज्ञापन दिया गया था तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन से जो मतलब रिकमेंडेशन मिला था, ठीक है, पदों की बढ़ोतरी को लेकर के, उसमें आप लोगों को TGT PGT 2022 में जो 4,163 पद आपके विज्ञापित हुए थे उनमें तकरीबन आप लोगों को 4,500 से 5,000 के बीच में पद एक्स्ट्रा में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब ये TGT और PGT दोनों मिला करके है, 4,500 है कि 4,800 है कि 5,200 है कि 5,500 है, ठीक है ना, कि केवल TGT का है, कि प्रवक्ता के कितने हैं, TGT कितने हैं, ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है, स्पष्ट नहीं हुई है, ठीक है ना। लेकिन हाँ इतनी बातें जरूर क्लियर हो गई हैं कि पद इसमें बढ़ जाएंगे, लगभग अराउंड अगर आप देखें 9,800 के समथिंग आप लोगों को TGT और लगभग 1,500 के अबव आप लोगों को PGT, ये पद आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक। इसमें ज़्यादा पद इसलिए नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि भाई उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि ज़्यादातर पद हम इसमें इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं कि बहुत से विद्यार्थी ये मांग करने लगेंगे फिर कि हमको दोबारा आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाए, ठीक है, तो पता लगे कि हम आवेदन ही लेते रहेंगे और फिर उनकी स्क्रीनिंग कराओ, है ना, फार्मों की स्कैनिंग होनी चाहिए, फिर उसके लिए जो है मतलब नया प्रारूप, नई चीज़ें, तो ऐसी परिस्थितियों में पदों की संख्या उतनी ही बढ़ाई जाती है जिसमें विद्यार्थियों का विरोध ना हो, ठीक है ना, क्या हमें फिर से आवेदन करने का अवसर दिया जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं जो ये मांगें होती रहती हैं, 25,000 पद जोड़ दिया जाए, 30,000 पद जोड़ दिया जाए, ये सिर्फ एक गफलत भरी बातें हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है, और वो चलते रहेंगे। 25,000-28,000 पद इसमें नहीं जुड़ने वाले। हाँ, जो नया विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो अराउंड 18,000 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा, और ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो अलग चीज़ है। दूसरा ये है कि बहुत से विद्यार्थी नई नई डिग्रियों का नामोल्लेखन करते हुए GIC लेक्चरर के लिए अप्लाई करने की बात करते हैं कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि GIC लेक्चरर में
जो परिवर्तन हुआ है उसमें आप लोगों को हो सकता है कि मौका मिल जाए, लेकिन एलटी ग्रेड और टीजीटी में बहुत से नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर एलिजिबिलिटी का परिवर्तन देखा जाए, अगर योग्यता और अर्हता में बदलाव देखा जाए, तो सबसे ज्यादा टीजीटी और एलटी के लिए ही है। ठीक, पीजीटी और जीएससी लेक्चरर में तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो टेक्निकल फील्ड के होते हैं वो इन सारी चीज़ों में अप्लाई करना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम उस फील्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, नई अर्हता आने वाली है और जैसे ही उसका नियमावली जो है पब्लिक डोमेन किया जाएगा, आप सभी लोगों को सारी चीज़ें खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी, कौन विद्यार्थी एलिजिबल है जीएससी लेक्चरर के लिए, कौन विद्यार्थी नहीं है, ठीक है, टीजीटी के लिए एलटी के लिए कौन सा एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। सूचना प्राप्त हो रही है कि जो आपके नियमावली का प्रेजेंटेशन था वो समाप्त हो चुका है और गवर्नमेंट इस नियमावली को किसी भी वक्त जो है अप्रूव कर सकती है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा निदेशालय से भी ये जानकारी प्राप्त हो गई है कि नियमावली को जो है गवर्नमेंट ने अपने पास एक्सेप्ट कर लिया है, रख लिया है, और ये नियमावली अब फाइनल है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो परिवर्तन होने थे, जो नियमावली बनाई गई थी, जिस तरीके का वहाँ पे अचीवमेंट दिया गया था, प्रेजेंटेशन दिया गया था, है ना, अपनी उपलब्धियाँ वहाँ पे बताई थी उन्होंने, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो अब जो परिवर्तन होना था नियमावलियों में या माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 में, वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, इसलिए अब ज़्यादा समस्याओं का अनुभव आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोगों की जो नज़रें हैं, हम लोगों की जो उम्मीदें हैं, योगी कैबिनेट की मीटिंग पे हैं, और जैसे ही मीटिंग होती है वैसे ही सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, या उसके पहले अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक आ जाए तो हमारा मैटर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे वो आएंगे, क्योंकि नियमावली के साथ ही आएंगे वो, ठीक है ना, शिक्षा सेवा आयोग की जो नियमावली बनाई गई है वो जब अध्यक्ष भेजे जाएंगे, भाई वो संरक्षक होते हैं, जब अध्यक्ष भेजे जाएंगे तो उनके साथ उनकी नियमावली भी भेजी जाएगी कि भैया ये है संस्था की नियमावली और इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट भी आप लोगों को अगस्त में मिल जाएगा, ये क्लियर है, श्योर है, सर्टेन है, ठीक है ना, जो जानकारी हम लोगों को अधिकारी लोग दे रहे हैं। तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हमारे एलटी ग्रेड जीएससी लेक्चरर के लिए। एलटी ग्रेड जीएससी लेक्चरर का जो एलिजिबिलिटी का मामला था वो सट आउट हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने शिक्षा निदेशालय से भी बातें जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी कि आखिर जो अपर सचिव गए थे आयोग, जब वहाँ पे जानकारियाँ प्राप्त की उन्होंने, जो दिक्कतें आ रही थी एलटी ग्रेड के विज्ञापन को जारी करने के लिए लोक सेवा आयोग को, उन गलतियों को थोड़ा हाईलाइटेड करिए, उस पर हाईलाइटर चलाइए, थोड़ा सा देखते हैं क्या गलतियाँ हैं, ठीक है ना। तो इस पर शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया है कि जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली है, मतलब सर्विस रूल, ठीक है, और जो एलटी ग्रेड की जो नियमावली है, राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली, और जिसमें आप लोगों का चयन होता है, उन तमाम चीज़ों में जो परिवर्तन किया जाना था उसमें आयोग ने भी कई बिंदुओं पर अपनी राय दी थी कि इस तरीके से अगर परीक्षा कराई जाए तो इसमें विवाद होने के चांसेस कम हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से विवाद जो है वो समाप्त हो जाएंगे, विवाद होने के चांसेस कम है, ये कहना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। अच्छा ठीक है, विवाद होने के चांसेस कम है, तो इस पे जो अपर सचिव राजकीय ने जो बातें हाईलाइटेड की, जो बातें क्लियर की, और जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई है, वो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को भैया वारा नहरा हो गया, उनको मौका नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलर कोई भी वैकेंसी आप लोगों की आए, चाहे वो एलटी ग्रेड है, चाहे वो आपकी टीजीटी आए, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन आगामी आने वाली भर्तियों में जब से वो नियमावली मतलब लागू की जाएगी, ठीक है ना, उस नियमावली के अंदर आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, ठीक। एक अवसर आप लोगों को मिल रहा है, अब आप चाहे से अंतिम अवसर समझ लीजिए, चाहे बड़ा अवसर समझ लीजिए, चाहे अपने साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसको जोड़ करके देख लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अवसर केवल एक मिलेगा और इसी अवसर को आपको अंतिम अवसर मान करके चलना है, उसके बाद नॉन बीएड वाला जैसा मामला वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक। इस बार चूंकि जब ये परीक्षाएं आएंगी, जाहिर सी बात है कि उस समय आप लोगों का जो है भाई आपकी परीक्षा रहेगी, साथ ही साथ
सीएम सर की भी परीक्षा रहेगी, विधानसभा चुनाव नजदीक रहेगा, ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, और जो नियमावली में परिवर्तन किया गया है कि बीएड वालों को वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये चीजें क्लियर होंगी, एक छोटा सा संशोधन करके पूरी तरीके से इनको समाप्त कर दिया जाएगा, बीएड की डिग्री को एसेंशियल बनाते हुए वेटेज हटा दिया जाएगा। तो अगर एक अवसर आप लोगों को मिल रहा है तो इसे आप कैश कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की अर्हता क्लियर होने के साथ साथ अब विज्ञापन के रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं है, बस इंतजार है नियमावली का, इंतजार है शिक्षा संरचना आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक का, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य पूर्वक साथ दीजिए, ताकि हम लोग भी जितनी भी प्रयास करें उसमें आप सभी लोगों की ताकत भी साफ साफ दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। 97 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे नोट्स आदि प्राप्त करके उसकी तैयारियों में लग सकते हैं। और आपके लिए मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड हो या जीएससी लेक्चरर, टीजीटी हो या पीजीटी, आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र नोट उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे अपनी तैयारियों को मुकम्मल बना सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।